माने वृक्षों को संरक्षित किया गया है और यहाँ पार्किंग पाथवे वाटर बॉडी में आने वाले पेड़ों को भी नहीं काटा गया है। इसके अलावा यहाँ दो वाटर बॉडी हैं जिसमें से एक प्राकृतिक और दूसरी निर्मित की गई है। वर्षा का सारा पानी चैनल से बांधकर इसमें एकत्रित होता है और इससे पौधों की सिंचाई की जाती है। साथ ही एक प्राकृतिक वाटरफॉल बनाया गया है जो रात में लाइट्स में बड़ा ही सुंदर दिखता है। यहाँ बांस निर्मित 8 पगोड़ा बनाए गए हैं और जगह जगह छोटी चट्टाने और पत्थरों से संरचनाएं भी तैयार की गई हैं। लोकार्पण हुआ, शहर के लोगों की इसकी प्रतीक्षा थी, आज वो प्रतीक्षा का समय समाप्त हुआ। जो मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने वाले लोगों के लिए बहुत बढ़िया जगह, और यहाँ हमारे जंगलों में जो मिलने वाले पेड़ पौधे हैं उनका भी यहाँ वृक्षारोपण किया गया है। पुराने पेड़ को भी जैसे थे वैसे ही रखा गया है, किसी पेड़ को काटा नहीं गया। पाथ भी बनाया गया है और जिसका लाभ शहर के लोगों को मिलेगा, और वृक्षारोपण भी हम लोगों ने किया। और क्योंकि अब बरसात का दिन आ गया है, वृक्षारोपण बड़े पैमाने पे वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है, और जो लोग अपने घरों में लगाना चाहते हैं वन विभाग उनके घर पहुंचा के 5 पेड़ उनको दे रहे हैं ताकि घरों में भी शुद्ध वातावरण रहे, ऑक्सीजन मिले। हमारी कोशिश यही है, छत्तीसगढ़ में 44% जंगल है, नदी के किनारे नालों के किनारे जो खाली जगह है उसमें वृक्षारोपण हम लोग कर रहे हैं। शहरों में भी ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली हो ये कोशिश शासन की है, उसमें एक महत्वपूर्ण कदम आज पूरा हुआ। ये बात भी सही है कि इसको बनाने में बहुत सारे दुकानें तोड़ी गई, हम लोग उस समय भी उसका विरोध किए थे और उनको बसाने की बात है तो उनके साथ अन्याय नहीं होगा और इसको हमेशा इसी प्रकार के मेंटेन करके रखना है। हरियाली बनी रहे, लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलती रहे, ये शासन की कोशिश है और सबकी इसमें भागीदारी है। आप घूमे, आपको कैसा लगा? आप भी आएंगे क्या मॉर्निंग वॉक करने? बहुत बढ़िया लगा और बिल्कुल इसको उस प्रकार से बनाया गया जैसे गार्डन होता है उस प्रकार से नहीं, बल्कि सभी प्रकार के जो है उसमें पीपल है, आम है, नारियल भी है, तो दूसरे प्रकार के और जो नीम है जो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, ऐसे पौधे पेड़ इसमें लगाए गए हैं। राजनीतिक मंत्रियों को आपने बुलाई, कुछ क्या विषय है? मंत्रियों के साथ बैठक करके अभी जो निगम मंडल की जो बात हो रही है उसी मामले में अभी चर्चा होगी, अभी मंत्रियों से सीनियर लोगों से भी पार्टी के अध्यक्ष से भी चर्चा करके एक मत बना के हाईकमान से अनुमति लेके ही फिर उसको डिक्लेयर करें। गय और वीरू की जोड़ी को लेकर चर्चा बहुत गर्म है, क्या हो गया? जो पहले चुनाव समय गय वीरू की जोड़ी थी वैसी दूरियां बढ़ गई है मंत्रियों के बीच? कोई गलतफहमी नहीं है, सारे मंत्री एक हैं और किसी कोई गलत फहमी हो तो उसे दूर कर लेना चाहिए। बीजेपी का आरोप हरदेव के मामले में कि भुखमरी की कगार पे लोग हैं, अनाज नहीं, सरकार दाने का नहीं, घर का अनाज पहुंचाया जा रहा है। रमन सिंह जी अपने कार्यकाल का हिसाब किताब देख लें उसके बाद बात करें। जहां तक के हरदेव की बात है तो उसके घर में चावल भी पहुंचा है, मनरेगा के तहत उसको काम भी मिला है, तो शासन की जितनी योजनाएं हैं सबको उसका लाभ मिल रहा है। अब यदि उस प्रकार से कदम उठाया है, निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है, उसको इस प्रकार से कदम नहीं उठाना चाहिए था। और जहाँ तक मेरे से मिलने की बात है तो मेरे से मिलने के लिए उन्होंने आवेदन दिया नहीं कि न किसी से संपर्क साधा है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा गलतफहमी पैदा करती है और अभी भी करने की कोशिश कर रही है। जहाँ तक के रमन सिंह जी की बात है, रमन सिंह जी को पार्टी ने उसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, उनको बड़ी भूमिका दी गई है। 15 साल वो मुख्यमंत्री रहे, उसका लाभ राष्ट्रीय स्तर पर मिले ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है, लेकिन वो वहाँ से निकल ही नहीं रहे। तो यदि हैं तो अपने अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलना चाहिए,
यदि वो आलोचना भी करते तो हम उसको सुझाव के रूप में लेते हैं, लेकिन इस प्रकार से कोई बात कह ही नहीं रहे और अनावश्यक गलत बातों पे तूल दे रहे हैं। सर एक मनरेगा और लघु वनोपज खरीदी में छत्तीसगढ़ पूरे देश पर प्रथम आया, क्या मानेंगे? देखिए, जब कोरोना काल में भी हमने किसी विभाग का कोई काम रोका नहीं, एक तरफ जब लॉकडाउन था और उस समय सारे व्यापारी प्रतिष्ठान बंद थे, ऐसे समय में वन विभाग के पहल से हमारे जो स्व सहायता समूह है उसके माध्यम से हम लोगों ने न केवल महुआ खरीदा, इमली खरीदा, बल्कि तेंदू पत्ता भी संग्रहण हम लोगों ने किया है, ताकि यहाँ के जो हमारे आदिवासी भाई हैं या परंपरागत रूप से निवासी, उसे किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, ये हमारी कोशिश रही है। उसमें हमको सफलता मिली, 90% जो लघु वनोपज है छत्तीसगढ़ से खरीदा गया। मनरेगा का काम भी हम लोगों ने बंद नहीं किया था, जब लॉकडाउन था तब भी हमने कहा मनरेगा काम शुरू करें। मैंने सभी विधायकों से बात की, जिला पंचायत के अध्यक्षों से, सरपंचों से, अधिकारियों से बात करके इसको शुरू करवाया। बहुत सारे लोग हाई कोर्ट गए, न्यायालय गए, PIL लगाए, इस काम को रोका जाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होता। लेकिन हम लोगों को पता है, जब गोदी खुदाई करते हैं, मिट्टी खुदाई करते हैं, तो अपने आप सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन होता है। लेकिन कुछ लोग गए थे और आपने देखा कि देश में इसमें सर्वाधिक मजदूर छत्तीसगढ़ के लगे थे, 26 लाख मजदूर काम कर रहे हैं। अब 100 दिन पूरा करने वाले में भी हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक परिवार हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। तो लगातार हम लोग इस कोरोना काल में, संकट काल में, हम हाथ में हाथ धरे बैठे नहीं रहे। कोरोना के कारण से जो और दूसरे वर्ग के लोगों को, समाज के लोगों को प्रभावित न हो, उसका दुष्परिणाम भोगना न पड़े, इसके लिए हर विभाग के लोगों ने बढ़ चढ़ के काम किया है। हमारे नगरीय प्रशासन विभाग, खाद्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, महिला विभाग, पंचायत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सब विभागों ने अपनी भूमिका महत्वपूर्ण निभाई। चाहे हमारे पुलिस की भूमिका, जो पहले पुलिस की तस्वीर थी, छत्तीसगढ़ में तस्वीर बदली है, आज एक सहयोगी के रूप में, साथी के रूप में, सहायता करते के रूप में पुलिस की भूमिका लोगों ने देखा है। तो अलग प्रकार की भूमिकाएं हमारे पुलिस सामने आया, जिला प्रशासन की भूमिका आप देखें, इस प्रकार से कभी काम नहीं होता जो काम करके दिखाया। इसके अंदर छत्तीसगढ़ में सब लोगों ने, और न केवल हमारे अधिकारी कर्मचारी, मंत्री, विधायक, बल्कि समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जिससे भी अपील हम लोगों ने किया, जितना उम्मीद करे थे उससे ज्यादा बेहतर काम करके उन लोगों ने दिखाया। तब आज स्थिति ये है कि हम 600 से कुछ अधिक एक्टिव मरीज हमारे पास हैं, और धीरे से मैं समझता हूँ कि 10 जुलाई तक के ये आंकड़े और कम आ जाएंगे। हाँ सर, देखिए उस दिन पुनिया जी आए थे, उस समय मीटिंग हुई थी, आज फिर सभी सीनियर लोगों के साथ बैठ रहे हैं, रायशुमारी करेंगे, उसके बाद हाईकमान से अनुमति लेंगे, उसके बाद डिक्लेयर होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। प्रस्ताव की नियुक्ति की है, उसको लेकर तेजवान जी ने छुट्टी लिया है कि 2500 का फार्मूला है, इसलिए मंत्रियों की आवाज बंद करने के लिए दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई है, तेजवान जी का बयान। देखिए, इन लोगों के पास कोई काम रहा नहीं गया है, न इनके पास कोई मुद्दे रहे। अरे भाई, जिस दिन मंत्रिमंडल पूरा बना और आप सभी के सामने लगातार चौबे जी और अकबर जी दो ही प्रेस के सामने आके बात करते रहे मंत्रिमंडल, उस दिन जब मैं आप लोगों को आमंत्रित किया था अपने निवास में पत्रकारों को, और आप ही लोगों ने कहा कि सरकार की तरफ से कोई अधिकृत कोई प्रवक्ता हो, तो फिर से उसको हमने रिपीट कर दिया, एक नोटिफिकेशन कर दिया, ताकि सरकार की ओर से कोई अधिकृत बयान हो तो अकबर जी और चौबे जी दो मंत्री हमारे देंगे। एक सवाल है मेरा, गिरम गति कांड के हिंदू परिवार वो लोग संतुष्ट है, मांग कर रहे हैं उनकी न्याय। बिल्कुल सही बात है, ये पूरा प्रदेश और देश जानना चाहता है कि जीरम घाटी में षड्यंत्रकारी कौन है, हत्यारे लोग कौन है, उसका ताना बाना कौन, मास्टरमाइंड कौन है, और NIA जांच करने में असफल रही है। उन्होंने अपने फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया,
हम मांग रहे हैं लेकिन हठधर्मिता है उनकी, हम ही जांच करेंगे लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा दो जगह। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऑक्सीजन का उन्होंने शुभारंभ किया है और साथ ही मीडिया के सवालों के जवाब